हाँ सा सर्वप्रथम मेला प्रांगण में बैठे हुए पिता तुल्य सभी उधर नौजवान भाई यहाँ पर बैठी हुई आवाज को सुनती हुई इस पृथ्वी का श्रृंगार में गंगा यमुना की जैसी पवित्र सभी मेरी माँ शक्ति दूर दराज से पधारी हुई झिकड़ी प्रेमी जनता संगीत के शौकीन श्रोतागण संगीत से जुड़े हुए जितने भी कलाकार यहाँ पर उपस्थित हैं एवं हमारी परमादरणीय वंदनीय कमेटी सर्वप्रथम सबसे पहले सबके लिए आपकी छोटी सी बच्ची सुनीता छोकर की तरफ से नमामि नमस्कार राम राम साहब सभी कलाकार आपके सामने एक से बढ़कर है सभी महान कलाकार हैं मैं तो उनके जो चरणों की रज हुआ करती हूँ उसके भी बराबर नहीं हूँ आप ही की बच्ची हूँ अगर कुछ गलती हो जाए तो अपनी बच्ची समझ करके क्षमा करें ज्यादा विद्वान नहीं कुछ जानती नहीं केवल बुजुर्गों का आशीर्वाद है जो चिल्लाना सीख लिया है क्योंकि कहते हैं इंसान को जो कुछ ही मिलता है सब अपने कर्म के द्वारा मिलता है न जाने हमने ऐसे कौन से कर्म किए हैं जो आप जैसे विद्वानों के हमें दर्शन होते हैं बाबा तुलसीदास जी ने कर्म को प्रधान बताया और आप जैसे विद्वानों ने अपनी कलम को उठाया और चाचा जी लिखा कैसे कि फूस की आग भुजे जल से और ये जल माही लगे तो भुजे कहो कैसे कि छान गिरे तूनी से डटे ये आसुमा गिरे तो डटे कहो लेकिन कहा कि मेरो वियोग पिया से मिटे और पिया को वियोग मिटे कहो कैसे अरे और लिखी तो सब ही मिटे या विधि की लिखी मिटे कहो और देखिए इस इंसान को चेतावनी दी और लिखा चाचा जी कैसे क्या और ये कंचन जैसी ही काया तेरे क्योंकि तू कहता है ना मैं कितना सुंदर हूं मैं कितना धनवान हूं मैं कितना बलवान हूं लेकिन मेरी एक बात सुन क्या और ये सोने जैसी ही काया तेरे और बाबा काम नावेगी क्यों अरे ओ बाब रे ये माया संग ना जावेगी ओ बाब रे ये माया क्या और ये सोने जैसी काया तेरे देखो बाहर के इनको दियो चाहे मत दियो घर गाम की छोरी जाकू तो खूबे रुपया दियो कहा और ये सोने जैसी काया तेरे और एक कामना आवेगी क्यों अरे ओ बाप रे ये माया संग ना सवन को दियो साहब हमारे गाय तो सब बराबर है जब हमारे क्षेत्र में आए तो और कहा आया भी अकेला बंदे क्या अरे आया भी अकेला बंदे आया भी अकेला बंदे जाए भी अकेला और ये क्या मतलब है हमारा
हमारी माता जी दे रही हमारे लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कहा अच्छा दसो लेंगे। अरे आया भी अकेला बंदे, देखो ने शरीर के हिसाब से तो रुपया देते, 51 रुपए का पुरस्कार 51 रुपए जो समझ रहे 5000 दे दे। राजेंद्र सिंह जी डेयरी वाले दे रहे बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ आया भी अकेला बंदे, आया भी अकेला बंदे, जाए भी अकेला। और अरे दो दिन की जिंदगी है, दो दिन की जिंदगी है, दो दिन का मेला, दो दिन की जिंदगी है। और कहा तू कहता है ना ये बेटा मेरा है, ये बेटी मेरी है, ये पत्नी मेरी है, ये भाई मेरा है, लेकिन सुन। अरे भाई बंधु और नारी तेरी क्या, अरे भाई बंधु और नारी तेरी, और रोए रोए मर जावेगी क्यों, अरे ओ बाबू रे ये माया संग न जावेगी, ओ देखिए वो कहा है ना कि संगीत वो शक्ति है भैया, संगीत वो शक्ति है, हर स्वर में बसे ही राम, रागी घर सुनाए राग नहीं तो रोगी को मिले आराम, ऐसी कोई कथा नहीं, ऐसा कोई प्रसंग नहीं, ऐसा कोई चित्र नहीं जो कि 10-20 बार आपने नहीं सुना हो। कथाएं सारी वही है, प्रसंग सारे वही है, आप सब विद्वान हैं, लेकिन कहने वाले के गाने वाले के तरीका केवल वही अलग है। बात उस समय की है सजनों, एक समय रानी द्रौपदी गंगा जी के घाट पर जल लेने के लिए जाती है। आहा सजनों, वहां जाकर के रानी द्रौपदी ने एक दृश्य देखा, एक नजारा देखा, एक व्यक्ति चिता बना करके बैठा है। रानी द्रौपदी ने जब ऐसा देखा कहा कि जल के हेत चली पांचाली, चाचा जल के हेत चली पांचाली, जाने गागर शीश उठाइए, अरे गावत गीत मलहार कामनी बा गंगा तट पे आइए, कि देखो दृश्य किनारे जाके, जब देखो दृश्य किनारे जाके, अरे ऊंचे स्वर चिल्लावे, अरे भैया को प्राण गावे। रानी द्रौपदी ने देखा गंगा जी के घाट पर व्यक्ति चिता बना करके बैठा है। जब इस दृश्य को रानी द्रौपदी देख रही है, चाचा जी होता क्या कैसे, हेरा देखो दृश्य क्या, हेरा देखो दृश्य दंग भाई मन में, और द्रोप सुता को लाई है, और बैठो बीरे चिता के अंदर अग्नि दयो लगाई है। और देखिए सभी कलाकार बारी बारी से आपके सामने उपदेश लगा रहे हैं, बाबा बिन्नू दे दियो, लेकिन आप जैसे विद्वानों ने कहा क्या, जो दे
तार लगा दे, तार लगा दे, तार लगा दे, नैया को भगवान उसी को कहते हैं जो तार लगा दे नैया को। आहा सजनो, जैसे ही रानी द्रौपदी ने देखा, रानी द्रौपदी उसी व्यक्ति के पास में पहुंच गई जो चिता बनाकर के बैठा है। रानी द्रौपदी ने कहा कि पास पुरुष के पहुंची वाला, पास पुरुष के पहुंची वाला, बोली ऐसी बानी है, अरे ऐसो कहा कसूर भयो जो देह त्यागन की ठानिए कि कौन गाम कहा नाम तुम्हारा। कहा हे मरने वाले, कौन गाम कहा नाम तुम्हारा और तू क्यों नाम मोए बतावे, अरे भैया क्यों प्राण गवावे। आज रानी द्रौपदी उस व्यक्ति से कह रही जो चिता बनाकर के बैठा है, चाचा जी किस प्रकार से कहा, क्या अरे एरे कैसे बैठो है चिता में तू आसन मार, क्या अरे एरे कैसे बैठो है चिता में तू आसन मार बाबू रे, अरे बाबू रे, और ऐसो कहा बनुआ तोते बनी गयो रे बाबू रे, रानी द्रौपदी ने कहा की तरफ देखो।